हेलो दोस्तों, अजिता जूम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो मैंने क्या क्या लगाया है सर्दियों के लिए। बहुत सारी फलों की और ढेर सारी सब्जियां लगाई हैं। ये देखो मेरा छोटा सा पान का पौधा है। मैंने 3 फ्लोर पे थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग की है। ये सजावटी थोड़ा सा मैंने हैंगिंग बनाया है मनी प्लांट का। और ये है टेंगल हार्ट, मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत करके सजाना अच्छा लगता है। ये मेरा मालती लतर है जिसमें अभी फूल नहीं आ रहे हैं। और ये लिली है, ये बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं, बहुत सारे के तो नाम मैं भूल गई। एक्जोरा है ये, बहुत सारे के नाम भूल गई। और बहुत सारे ये ऑल स्पाइसेस का है, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये फ्लोर मेरा पूरा हर्ब का है, मेडिसिनल प्लांट है इधर ज़्यादा। तो ये मेरा बेसिल भी इसी में था। ये ड्रेसिना है, ये 200 के प्लांट है। ये कुछ पूजा के फूल जो मैंने पास में रखे हैं छत में, मुझे ना जाना पड़े, मैं नहा के जल्दी से पूजा कर पाऊँ, इसलिए कुछ फूलों वाले पौधे मैंने बालकनी में रखा है। ये मेरे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे थोड़े बहुत फूल और वो लगे हैं। ये मेरी सीढ़ी में जो मैंने सजा रखी है, तैयार कर रखी है, सब्जियों के बेहन बीज डाले हैं जो लगभग रेडी हो रहे हैं, जिनको लगाना है। बैगन है, टोमेटो है, मिर्ची है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी मुझे लगाना है इनको। और ये देखो दोस्तों, मैंने कुछ हैंगिंग बना रखा है। आपको अच्छी लगी कि नहीं आप बताना, आपको कैसी लगी, ताकि मैं इसमें कुछ और सुधार कर सकूं। मेरा एंजाइम बन रहा है यहाँ, मैंने रखा है बहुत सारी चीज़ों का है, मौसमी और नीम वगैरह का है। ये मनी प्लांट मेरा कितना घना हो गया है। ये बोगनवेलिया, अभी मैंने इसकी प्रूनिंग की थी कुछ दिनों पहले, बहुत कस के प्रूनिंग की थी। और ये मेरा करेला है, इसमें बहुत सारे करेले लगे हैं। मैं कल शाम को बहुत सारे उतार चुकी हूँ, कल फिर इनको उतारने का दिन आ जाएगा। मैं इसको हटाने वाली थी पर ये अपना फ्रूटिंग बंद नहीं कर रहा है, मुझे लगातार देता जा रहा है करेले, और इसलिए। और ये मैंने बीन्स लगाई है, ये प्याज है, ये भी बीन्स है, और ये टोमेटो है, छोटे से गमले में है, पर ये इसको ट्रांसफ़र करना था पर मैं कर नहीं पाई, और ये इसमें फ्रूटिंग भी होने लगी। ये तो लगाया पोई मैंने पर पता नहीं क्या निकल गया, ये पालक अभी निकला नहीं है। और ये मेरे छोटी सी पेड़ में छोटा सा सजीपा, बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी भिंडी है, इसको रोज़ मैं हटाना चाहती हूँ पर ये लगातार इसमें अभी सब्जियाँ आती जा रही हैं, मैं इसको हटा नहीं पा रही हूँ। ये और ये क्यारी मैंने कल ही बनाई, इसमें मैंने वो लगाया है दूसरे गमले से उठा के 12 पत्ती, क्या बोलते हैं उसको। ये फिर से भिंडी है, और ये तोड़ लूँ मैंने तो ये कड़ी हो जाएगी। और ये बेला है मेरा, और इसी तरह बहुत सारी मैंने तैयारी कर रखी, पर कुछ लगातार सब्जियां देती जा रही हैं जिनको मैं हटाना चाहती हूँ पर हटा नहीं पा रही हूँ। मेरा कनेर है, ये देखो कितना खूबसूरत सा मिर्च का पौधा है, जिसमें बहुत प्यारे से मिर्च लगे हैं। और ये मेरा बोगनवेलिया है, ये पूजा का, ये लाजवंती, में बचपन में हम लोग इससे कितना खेलते थे, आप लोग भी शायद खेलते होंगे, है ना। बताना कैसा लगा लाजवंती से, कैसे खेलते समय मज़ा आता था। अभी भी मैं खेलती हूँ लाजवंती के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पौधा। और ये टोमेटो का, ये हरी मिर्च का, ये फिर से रोगी होने जा रहा है। ये लेमन है, इसको कल ही मैंने इसकी प्रूनिंग वगैरह करके खाद वाद दिया है, और मुझे आज एक फूल दिख गया इसमें। ये मेरा गुड़हल का 5 पत्ती गुड़हल, नवरात्रि में काम आता है बहुत। और ये बगीचे की सेहत के लिए नीम और इन सब चीज़ों को मैंने लगा रखा है। ये गुलाबी कनेर है, पीला गुलाबी दोनों मेरे पास है, ये मिर्च बार बार रोगी हो जाता है। और ये देखो, ये लोबिया मुझे कभी निराश नहीं करती, बहुत ज़्यादा ये फलती है, और हर 2 या 4 दिन पे
तैयार हो जाती है एक मुट्ठी, और मेरे हम लोग दो तीन परिवार के लिए बहुत अच्छे से ये काम चल जाता है। और ये पूजा के लिए आंवला लगा रखा है मैंने, इस टाइम पूजा करूंगी कार्तिक में। और ये देखो ये शहतूत है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है और मैंने शहतूत लगा रखा है उसके लिए, पर इसको गिलहरी खाती जाती है रोज़ रोज़। और ये मेरा सहजन का पेड़ बढ़ता चला जा रहा है। और ये भी क्यारी मैंने नई नई बनानी है, अभी बनाई है हफ्ते भर पहले। इसमें किनारे किनारे मैंने मूली लगाया है, उसके साइड में मैंने मेथी लगा दिया है, ये सेम लगा दिया है, बारह पत्ती खीरा लगाया है, देखें पता नहीं होता भी है या नहीं। और ये फिर से गोल लौकी लगाई है, पता नहीं सीजन तो बीत रहा है पर पिछैती फसल मिल जाएगी मुझे। और इसमें मेरे कुछ फलों के हैं, ये देखो साइड में ये बैगन है, और इन सबको इस सीज़न के बाद मैं हटाने वाली हूँ क्योंकि बीच में मेरा बारहमासी आम है जो ख़राब हो जाएगा इन बैगनों के लालच में। तो पौधा छोटा था मैंने लगा दिया, पर अब मुझे लगता है इनको हटाना चाहिए। और ये बरसेमिया है, ग्वारफली, और ये कौन सा आम्रपाली है, ये लाल अमरूद है, और ये चीना अमरूद है, चिनिया अमरूद जिसको बोलते हैं, लाल अमरूद को कलकतिया अमरूद भी बोलते हैं। ये अंजीर था, अंजीर मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ये पपीता है, बहुत छोटे से पौधे में, दो तीन फीट का जब पौधा होता है तो इसमें पपीते आने लगते हैं, और वाकई इसका तना काफ़ी मोटा हो गया है। ये है चीकू, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चीकू, उसमें बहुत पहले ही फ्लावरिंग हो गई थी पर मैंने फल इसका हटा दिया क्योंकि पौधा अपनी बढ़त रोक के फल बनाने में लग गया था। अब ये फिर से कली आई है, इस बार मैं नहीं हटाने वाली हूँ, चीकू फलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखो मेरे इतने छोटे से बागीचे में मैंने कितना कुछ लगाया है। और ये पालक आ गया है, छोटे छोटे पालक हैं अभी ये। और ये धनिया नहीं आया, मेरी नानी कहती हैं बहुत धनिया 21 दिन लगाता है, पता नहीं कितना लेट हो। ये मेथी है, ये टोमेटो है, और इसको मैंने हरी मिर्च और टमाटर के लिए तैयार किया है, ये भी हरी मिर्च है। ये फिर से लोबिया है, ये जून की लगी है और देख लो लगातार मुझे देती जा रही है, बेचारी सूख चली है फिर भी फ्रूटिंग इसका कम नहीं हो रहा है, ये बहुत मेहरबान है मुझ पे, थैंक यू प्रकृति देव वनस्पति देव। और ये मिर्च, ये मेरे शिमला मिर्च हैं, इनको मैंने बीज से उगाया था, एक मर गया, बाकी ये पांच मेरे पास बचे हुए हैं, इन सबको मैं महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र से अभी सिंचित करती रहती हूँ ताकि ये मेरे लिए बहुत ही हेल्दी हो। और आप लोग भी धर्म के बागवानी के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़े रहो। ये मेरा अदरक का पौधा है, और ये देखो कोंडे के बीच में मैंने टोमेटो, ये मेरा परवल है, अभी तो नहीं फल रहा पर ये मार्च तक ज़रूर फलने लगेगा। और ये लौकी है, इन सब के बीच खेती के बीच मैंने अध्यात्म को जोड़े रखा है, खूब मैं लगातार मंत्र बजाती रहती हूँ सुबह शाम जरूर। और पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, थैंक यू फॉर